सो हेलो किस क्या चल पे लोगों के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं चुके फैक्ट्री में। अब देखो कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके मेरे कमेंट चेक करे, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते भाई वीडियो क्वालिटी खराब है, तुम्हारी आवाज भी हल्की सी बदली बदली आ रही है। और मैंने जब खुद चेक करा तो मैं भी सरप्राइज हो गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है। मतलब पता नहीं भाई कुछ भी यूट्यूब पे ग्लिच चल रहा है, फिर पता नहीं मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है। मतलब पिछले 15-20 दिनों से ये दिक्कत कुछ ज्यादा ही है। तुमने देखा होगा कभी वीडियो अपलोड करो तो आधी दिख रही है, कभी ऑडियो गायब है, कभी वीडियो अपलोड हुई है तो उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे अजीब से ग्लिचेज है ना जिसको हद नहीं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या क्या होना और अभी बाकी है। पता नहीं आज की वीडियो में क्वालिटी सही आ रही होगी या फिर नहीं, बताना है बजर कमेंट में कि हाँ पहले जैसे सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। फिलहाल अभी इन सब बातों को बंद करते हैं और यहां बंदे आए हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त बंदे आए हैं, लेकिन जरा गन देखो मेरे पास कौन सी है। VSS लेके घूम रहा हूं भाई मैं, घंटा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राइट से देखो किसी के फुटस्टेप्स आए तो मैंने सोचा यार अकेले बंदे से तो मैं लड़ सकता हूं। अब ये बंदा था या बॉट पता नहीं, पर इसको मार के मुझे एक वेपन मिल जाएगा और वो वेपन भी मुझे दिख चुका था भाई कौन सा है, देख लिया ना तुमने भाई, वेक्टर थी बंदे के पास। ये भी कुछ ऐसी तोप गन है नहीं अगर इस पर एक्सटेंडेड मैग ना हो तो। मैंने सोचा भाई निकल ही लो ऐसे कुछ करके, मैं पतली गली से निकल जाता हूं। लिटरली ये तो पतली गली थी। और भाई देखना बंदा हॉर्न बजा रहा है, मींस पक्के से कोई ना कोई टीममेट है जो कि ऊपर से नीचे आता होगा। लेकिन इस बंदे को मेरे फुटस्टेप्स आ चुके थे तो ये भाई साहब उतर जाते, दोनों उतर गए भाई साहब। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है मुश्किल ऐसा लगा होगा तुम्हें कि हाँ भाई साहिल कहानी खत्म, 2 मिनट का गेम प्ले दिखाएगा। लेकिन नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं मेरे दोस्त, वैसे इतना बेवकूफ तो मैं हूं, मैं चाहूं तो 10 सेकंड का गेम प्ले भी दिखा सकता हूं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या ही एस्केप करा मैंने, आज तक का वन ऑफ द बेस्ट एस्केप लगानी तो मुझे भी बच जाऊंगा, पर भाई वो मस्त गाड़ी घूम जाती है। मैं बच पूछा के देखो इस तरफ आ चुका था और मैं यहाँ पे इसलिए रुका क्योंकि मुझे उन बंदों को मारना जरूर है यार। बस मेरे को यहाँ से थोड़ी बहुत हीलिंग चाहिए, हल्का सा ब्रेक चाहिए जिससे मैं हील करके अच्छी तरह हस्ट पुस्ट होकर फिर उन बंदों से वापस लड़ूंगा। मैं देखो स्क्वाड्स के पास आया, वहाँ पर मैंने लूट लिया था लेकिन मेरे को ढंग की हीलिंग नहीं मिली थी बैंडेड वगैरह, तो मैं बस यहाँ पे आया। यहाँ पर मेरे को M4 मिली और वो देखो, अगर तुम्हें याद हो अभी जिन बंदों से मैं भाग गया था उनमें से एक बस व्हाइट शर्ट थी और एक निकरसी भी थी। अरे जो भी तुम कहो यार, और ये वही बंदा एग्जैक्टली, मेरे कहने का मतलब ये है। और मैं बस वेट कर रहा था एक बार खुद को एक्सपोज कर दे बीडू, मैं देख लूंगा। और मैंने देख लिया, चलो मैं इसको पूरा फिनिश करने गया। चलो वेक्टर तो तुम्हें पता है पदड़ गन है इसकी, इसकी 13 गोली में कोई बंदा फिनिश हुआ है आज तक। चलो यहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह लपेटे, M4 उठा ली मैंने और उसके बाद मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ क्योंकि इसका टीममेट भी था अगर तुम्हें याद हो कहते, ये तो एक साथ होकर भाई लड़ने आए थे। लेकिन अब इसका टीममेट कहाँ पर गया, और तभी मुझे जरा मेरे से बता दो कमेंट में ये बंदा कितनी ही गोली का बच रखा होगा भाई। इट हर्ट्स यार, इट हर्ट्स जब बस 2-3 बुलेट्स का बंदा रह जाए। और क्या बताऊँ मैं मेरा भी यही मोटिव था कि डाश चले गए सीधा शैक पर अटैक कर दूँ, पर फिर मैंने सोचा साहिल एक बार के लिए कंट्रोल कर यार, क्या पता पूरी टीम हो भाई। वो दो बंदे बस दिखे हो, 2v4 खेल रहे थे तो हो सकता है बाकी एक दो बंदे कहीं ना कहीं से आ गए हो। तो पहले मैंने इसका क्रेट टूटा जिससे कि मेरे को हीलिंग और स्कोप वगैरह बढ़िया से मिल जाए। और अब जरा देखना वो लोग भाई US लेकर रेडी थे रश करने के लिए। मैंने मारने का ट्राई करा पर यार इन्होंने गाड़ी इस तरह से खड़ी कर रखी थी कि मैं ड्राइविंग सीट पर एम ही नहीं कर पाया। क्या बोल रहा हूँ मैं, गाड़ी का बोनट एक तरह से अड़ गया था, बोनट ही बोलते हैं उसे। मैं देखो गाड़ी लेकर स्क्वाड्स की तरफ निकला क्योंकि वो बंदे दो गाड़ी में बुक होकर आ रहे थे। बताओ इतने नवाबी शौक हैं, USA यूनी दोनों तीन उसी में बैठ के आ जाए। और 3 बंदे तो जरूर थे, देखा ना एक बंदा लेफ्ट से उतरा, राइट से उतरा और एक सामने से बग्गी लेके आ रहा था। और तुम्हें कुछ सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, एक बंदा बग्गी लेके पास आ चुका था ट्रिपल स्टोरी की तरफ। तो मुझे लगा ठीक है भाई ट्रिपल स्टोरी देखेंगे, बट यहाँ ये क्या सीन है भाई साहब, हर ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं इन लोगों को, बग्गी में बैठ के आ जाता ना। नहीं एक पैदल चलेगा, एक बग्गी में एक US में। आप देखो एक बंदा इस खिड़की से भी झांक रहा था, ये वाली खिड़की से झांक मैंने स्कोपिंग करा, लेकिन बंदा चलाकी कर रहा था, जानबूझ के छुपने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन भाई को पता नहीं मैं पकड़ लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया फुटस्टेप्स आया वहाँ से दो, एक बंदा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा था और एक वो देखो ऊपर से झांका। भाई साहब तुम मेरे से कैसे छुप पाओगे यार। अब मैं बस वेट कर रहा था एक बंदा थोड़ी देर के लिए शक्ल दिखाए और मैं उसको नॉक कर दूं। तुम जरा बता दो वापस एक कमेंट में बताना ये बंदा कितने दिन का होगा भाई, 2 सेकंड का भी नहीं। और यहाँ पे देखो कोई बंदा किसी को नॉक कर देता है, वो देखो मैं किल चोरी कर सकता हूँ और करूँगा। ये तो अपना पहला काम है यार। अब बारी इन खड़े बंदों की, मेरा मतलब है जिंदा बंदों की। ग्रेनेड मैंने टॉस करा और क्या 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 ही जाएगा बताना, बिल्कुल नहीं, फुटस्टेप तो वहीं से आया था लेकिन बंदा समझ गया वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। लेकिन SKS थी, मैंने सोचा घुस जाऊंगा पर एक्सटेंड मैग नहीं है इसलिए मैंने स्टन ग्रेनेड फेंकने का सोचा। और क्योंकि ये तगड़े बंदे हैं तो भाई इनका एक से नशा होगा नहीं, तो इसलिए मैंने दो ग्रेनेड फेंके स्टन जिससे कि भाई कति अंधे हो जाए और फिर मैं इनको मारूं। देखो दूसरा इस टाइम पे अंधा था
तो इसलिए एक से भले दो नहीं हो पाया, मतलब एक तरह से जो मैं पहले वाले से लड़ रहा था तो ये दूसरे वाला इंटरफेयर नहीं कर पाया, पहले वाले को मैंने मार दिया, दूसरे वाले को जितने में होश आया कि मैं कहाँ हूँ किधर हूँ इतने में मैंने उसको लॉबी में पहुँच दिया। तो वो लॉबी में दोनों इन्जॉय कर रहे होंगे, मेरे मस्त के लिए यहाँ से निकल जाता है। अभी भी देखो मैच बढ़िया जा सकता है, मैं अब गाड़ी लेकर फाइनली, चलो मैंने कोई गाड़ी ली बढ़िया सी, मैं गाड़ी लेकर निकल जाऊँगा अपना जोन की तरफ और स्टेडियम की तरफ। यहाँ आते भाई सब सॉलिड गन शॉट्स की आवाज़, और मैं समझ चुका था मेन गेट पर ये वाली फाइट हो रही है। देखो कुछ बंदे नॉक भी थे तो मैं किल चोरी भी कर सकता हूँ, और मैंने बढ़िया कवर बना दी यूएस का ना, सामने से वो एकदम से शूट नहीं कर सकते हैं, पर कवर कवर चाहिए किसे यार, अपन तो फाइट करना है। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा, इस बंदे के अलावा भी कोई बंदा है, आगे एक बंदा नॉक पड़ा है मुझे पता है, लेकिन उसे कोई रिवाइव करा है मुझे ऐसा लग रहा था। देखो तभी मैं बार बार लेफ्ट जाता हूँ फिर राइट जाता हूँ, देखो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं मतलब मन में ये कभी कभी डर बना रहता है ना, उस वजह से भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं अब आगे बढ़ा देखने के लिए कि भाई वो बंदा है भी कि नहीं, और लिटरली यहाँ पर कोई भी नहीं होता, बस मैंने अपने मन में डर बना रखा था, कोई नहीं। देखो यहाँ पे आरपीजी थी और भाई डर तो रियल था। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर ये बंदा खड़ा होता अपने पैरों पे तो क्या हाल करता मेरा, बढ़िया इसके मैंने फिनिश करा। मैं अब गाड़ी लेकर आ चुका था यहाँ पे ड्रॉप लूटने, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ लालसा नहीं थी ड्रॉप की। ये देखो यहाँ पे मैंने एक डाश आती देखी थी कुछ देर पहले, तो मैं यहीं पे आ गया और मैंने चेक करा, दो तीन बंदे तो पक्का है, बस मेरे को चेक करना था कि दो तीन ही हो तो सही है, पूरी स्क्वाड निकली तो थोड़ा अपने को संभालना पड़ेगा। पहले मैंने एक ग्रेनेड टॉस करा, दो बंदे तो छत पर ही दिख चुके थे, तो बस समझ ही जाओ क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। उछल के फेंका कि कुछ करके उनके मुंह में जाए ग्रेनेड सीधा, अब पता नहीं किसको कितना डैमेज गया, भले डैमेज चला जाए फिर भी मैं रश नहीं कर सकता क्योंकि दो तीन बंदे तो छत पर ही है ना भाई, कति पटर से स्प्रे जाएगा और मैं लोबी में मिलूंगा। और ये देखो कति, इस बार तो मैं उनके एरिया में ही चला गया था, मेरे पास सारे ग्रेनेड्स खत्म हो चुके थे। तो अभी एक मिनट, अगर तुम्हें फुटस्टेप आए हो या फिर तुम अपनी आंखें अच्छे से खोल कर देख रहे हो तो इस ब्रोकन वॉल के पास एक बंदा है भाई साहब, चलाकी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी हर जगह नजर थी चारों बंदों पर, बाकी तीन तो उस तरफ थे और ये जो था कुछ यू नो उंगली करने का ट्राई कर रहा था। बेटा गलती से मत आ जाओ, बड़ा सॉलिड स्प्रे आएगा क्योंकि मेरे को बस वही बंदा देख सकता है और उसे भी मैं ही देख सकता हूँ, मेरे कहने का मतलब है बाकी तीन बंदों का स्प्रे मेरे पे नहीं आएगा। लेकिन ये भी चलाक था, ग्रेनेड फेंका इसने, ओ भाई इतना बुरा लगा ना मेरे को, ये अगर नॉक हो जाता है ना तो इस टीम को मैं थोड़ा मतलब एक तरह से कहा जाए तो चक्रव्यूह को मैं तोड़ पाता, पर नॉक नहीं हुआ। और देखो तीन बंदे ग्रेनेड टॉस करते वहां से और एक बंदा स्प्रे मारा था, मेरा मतलब दो बंदे ग्रेनेड टॉस कर रहे थे और एक स्प्रे मारा था, देख रहे हो दूर से ही बंदे इतना तगड़ा पिटाई तगड़ी पिटाई कर रहे हैं मेरी। अगर मैं पास चला गया इन चारों के बीच में तो भाई मैच 104% खत्म है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ भाई, मैं शांति से अपना अपार्टमेंट की तरफ आ जाता और वैसे भी जोन की तरफ जाना था, तो मैंने बढ़िया स्टेप लिया यहाँ पे। अब ये लोग जोन में आएंगे तो मैं शूट कर दूंगा, पर मेरे भाई मैं क्या बताऊँ, जरा तुम पहले ऊपर देखो 8-8 का स्कोर हो रखा है, मेरे अलावा 7 बंदे बच रखे जिनमें से 4 तो वही है, उसके अलावा भी 3 बंदे बचते हैं, तो मुझे लगा यहाँ कुछ बंदे मुझे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ भी कोई फुटस्टेप नहीं आता और मैं वेट कर रहा था कि भाई यार इस तरफ आ भी जाओ, मतलब काफी देर हो चुकी है, उन बंदों को जोन में आ जाना चाहिए। मैं देखो स्कोप इन स्कोप आउट भी करता हूँ, कोई ना कोई पैदल आता, गाड़ी में आता, कोई तो दिखो। अब इस तरफ से तो मुझे कोई दिखाई नहीं, तो मैंने सोचा बिल्कुल छत पे जाता हूँ, ये सामने वाला अपार्टमेंट अड़ गया होगा, तो हाइट से मे बी दूसरी तरफ से वो आ रहे हैं वहां से मुझे दिख जाए, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा। और तभी मुझे सामने से भी फुटस्टेप, ओहो इस अपार्टमेंट में भी बंदा है और इसके पास AWM है, देखा हो तुमने, खत्म है भाई खत्म है, क्यों इतनी गोली खा रहे हो मान जाओ। फाइनली भाई सब खत्म है और ये देखो पीछे, ब्रो ब्रो वो बंदे आ चुके थे, ये लोग सोच रहे होंगे भाई कितनी देर हो गई इस लोंडे को बचे ही जा रहा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चिल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया कि चार बंदे भाई थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, मुझे लगा क्या पता कोई ना कोई तो इस तरफ घूम रहा होगा, क्या पता कोई गाड़ी में बैठने आए कहीं निकले, तो मैं बहुत ईजिली यहाँ से नॉक कर सकता हूँ, मतलब चुटकियों का खेल होगा। तो और क्या सुन क्या रहे हो, मैंने हल्का सा बस वेट करा कि क्या पता कोई बैठ जाए, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। देखो यार मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, फुटस्टेप तो आते हैं वहां से कि हाँ वो उस अपार्टमेंट में चल रहा है, पर वो बस चलते ही हैं, इस गाड़ी में बैठते नहीं है। काफी देर हो चुकी थी, मतलब मेरे को 1-1.5 मिनट तो नहीं लेकिन 1 मिनट तो हो चुकी थी, और अब वहां पे फाइट हो जाती है और मेरे को मजबूरन निकलना ही पड़ता है। मजबूरन छोड़ भाई, बहुत अच्छा फाइट होगी, चार बंदों के सामने एक दो बंदे आ जाएंगे तो मुझे थर्ड पार्टी करने का मौका मिल जाएगा और ये लोग कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मैं इजीली इनको खत्म कर पाऊंगा। पर अब देखो ग्रेनेड फट रहा था तो मुझे लगा अभी भी शायद फाइट हो ही रही होगी, तो एक बार देख लेते क्या सीन है, यहाँ कहीं लड़ रहा था कोई बंदा, मतलब फुटस्टेप से आई मीन गनशॉट से मेरे को पता था कि अपार्टमेंट में, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपार्टमेंट में ये फाइट नहीं हो रही।
मेरे को लगता है भाई इन्होंने छत पे खड़े खड़े मार दिए पीक वगैरह करके, और अब मैं यहाँ पे एक तरह से फंस चुका हूँ। देखो ऊपर 3 फुट स्टेप्स आ रहे हैं मुझे, तो मैंने अभी ये डिसाइड करा कि अपने वाले अपार्टमेंट में निकल लेते हैं, क्योंकि वो जगह जोन में है, इन बंदों को भी उसी तरफ आना है, तो मैं टीपीपी लेकर मार सकूंगा इजिली। समझे मेरी बात? बिल्कुल समझ गए। देखो कोई ना कोई बंदा ट्राई भी कर रहा था, देखो दोनों बंदे इस तरफ आए, ये सोच रहे थे कि हाँ ये बंदा शायद यहाँ से कहीं से गया, चेक कर लें एक बार। और ये गया मेरे भाई, 4-5 गोली लगी एसकेएस की, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एसकेएस है भाई ये, इसके एक गोली लगी। और अब ये धीरे धीरे सारे इस तरफ रश करने आ जाते हैं, और भाई चलाक था बंदा, देखो उस तरफ से नहीं आया, उसे पता था कि हाँ टीम का वेट कर लेते हैं उसके बाद ही रश करेंगे। भाई बहुत सारी टीम वर्क कर रहे थे, और अगर इन्होंने टीम वर्क कर दिया तो भाई समझ जाओ मेरा क्या होने वाला है। अब मैं बस कोने में छुप रहा था कि बस कुछ करके एक बंदे को नॉक कर दूं, बात बन जाएगी। और एक बंदा देखना मिल भी जाता है मुझे, और मेरी गलती थी एक तरह से, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा टाइम ले गया भाई एसकेएस उस बंदे को नॉक करने में। ऑलमोस्ट नॉक कर देता, लेकिन भाई ये टाइम ज़्यादा ले गया। जो भी हो, ये वाला मैच में मैं था स्टेडियम के साथ, और मैं खेल रहा था लायन के साथ। हाँ उसने नाम चेंज कर रखा है, लेकिन भाई ये तुम्हें आवाज़ भी सुन जाएगी। वेल मेरे को लूट मिल चुकी थी, M24 और AKM, और अब सामने ज़रा सुनो, बड़ी सॉलिड फाइट हो रही थी। मैं सोच रहा था भाई आखिर बंदे हैं कहाँ, दिख नहीं रहा कोई भी, लेकिन गन शॉट्स की वजह से नहीं, वो देखो एक दिखा। वो बंदा रेड आउटफिट में था, उसको मैंने देखो अंधा कर दिया था, और पता नहीं वो कहाँ ही निकल गया। मामला कसम से कंफ्यूजिंग हो गया था यहाँ पे, क्योंकि देखो फुटस्टेप्स 2-3 आ रहे थे, लेकिन बंदे बस एक ही देखा मुझे। हाँ हाँ फिनिश नहीं हुआ, जल्दी जल्दी मैं शूट कर गया था। मैं नीचे की तरफ आया क्योंकि मुझे फुटस्टेप्स आया था यहीं से, और ना ऊपर बंदा था, तो जितना हो सकता है इस फर्स्ट फ्लोर पर ही होगा यार। बहुत ही ग्रेट, इसको मैंने नॉक करा है, पूरा फिनिश भी कर ही देंगे, अरे पक्का कर दूंगा देखना। ये हुई ना बात, चलो मेरे यहाँ पे 3 किल तो हो चुके थे, और मुझे पता है चौथा पांचवा भी हो जाएगा, बिकॉज अभी भी यहाँ पे एक दो बंदे बच रखे हैं। भाई सब सारे के सारे बंदे लाइन की तरफ जा रहे हैं, देखो कितनी बार ही बोल चुका मेरे पास एक बंदा, मेरे पास एक बंदा। वेल इस पर शॉटगन होती है तो थोड़ा बच के। वो देखो कूद के कहीं और ही निकल जाता, और यहाँ मैंने देखा एक बंदा और है, और तुम्हें पता ही है जो बंदे भागते हैं इनको तो मैं जरूर बिल्कुल पकड़ता हूँ। चलो भाई फाइनली भाई ने हेल्प बोला, वैसे अब तो हेल्प बोलना ही था, नॉक डाउन नहीं तो मुझे लगा था अभी वापस से बोलेगा कि मेरे पास एक और बंदा है, पर बढ़िया यार अच्छी बात है इस पास बंदे होंगे, क्योंकि ये किल्स ले नहीं रहा था भाई साहब, मेरा गेम प्ले बनवा रहा था, यूट्यूबर हो तो ऐसा। इतना सुर लगा कर कौन उबासी लेता है मेरे दोस्त, मतलब भाई यार सुर को आई मीन उबासी को गाने बना दे तुमने तो। फिलहाल 4 किल मेरे हो जाते हैं, और अब मुझे कुछ फुटस्टेप्स आते हैं सामने से, बिल्कुल बंदा आ चुका है, यही है भाई फुटस्टेप से इतना पता चल जाता है कि बंदा है किस तरफ। तो मैंने पहले स्टन फेंका क्योंकि वो बिल्कुल यू नो उस एंट्री पर ही है उस कमरे के, जो भी बोलो तुम। और भाई नहीं ये निकलना नहीं चाहिए ना, ग्रेट। अब यहाँ पे पूरा स्टेडियम एक तरह से क्लियर हो चुका था, मैंने एक भी बॉट नहीं मारा, और यार बहुत बहुत थैंक्स यार लायन, तूने 5 किल मेरे को दिला दिए, मौज हो गई। वेल जो भी हो, मैं ऊपर गया इनकी क्रेट्स वगैरह चेक करने, क्योंकि भाई इतने बंदे मारे मेहनत से तो इनका रिवॉर्ड तो हमें मिलना चाहिए। मैं लूट ही रहा था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि भी और मेहनत भी करनी है, उसके बाद रिवॉर्ड कलेक्ट करना पड़ेगा सारे एक साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेइज्जती करवा रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लगे भाई, चाहो तो नू बोल सकते हो। फिलहाल उसका एक टीममेट भी देखा था मैंने लेफ्ट में, अगर तुमने नोटिस करा हो तो, उसको जैसे मैंने नॉक कर दिया ना तभी मेरी लेफ्ट में नजर गई थी, क्योंकि वो बंदा भाग रहा था, अचानक से मुझे स्पॉट हो गया। ठीक है बस भी कर भाई, सारा इंट्रोडक्शन दे दिया यार, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इसको मैंने नॉक करा, और ये शायद वही बंदा था जो उसका टीममेट था, मैं ढूंढ रहा था कि वो जो नॉक प्लेयर है वो किस तरफ है, तभी इधर से अजी घंटा डैमेज है, अगर वो डैमेज होते तो कोई ना कोई तो जरूर उतर जाता, लेकिन अभी भी मैं उसी को ढूंढ रहा था कि वो जो नॉक कर रहा था वो किधर है, क्योंकि ये दो जो अभी आए हैं जितना मुझे लगता है नहीं कि टीममेट होंगे ना, दो ये दो वो, पूरी टीम हो गई।
और यहाँ पे वो वाला किल मुझे मिल जाता है। और अब आ रही थी इन बंदों की जो दो गाड़ी में आया था ना अपार्टमेंट से, M4 वगैरह चला रहे थे। ठीक है बच गए। सीधा मैं देखो अपार्टमेंट की तरफ आता हूँ और मैं थोड़ा अलर्ट था क्योंकि बंदे सीढ़ियों में ही टिप पे ले रहे थे। देखना ओके ये वाला मैं सुहा, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही कमाल का शॉट था भाई। अब मेरे को खत्म चाहिए बंदा। भाई यार दुख हुआ मेरे को बहुत ज्यादा कि M24 का इतना रिस्की शॉट मारने के बाद ही बंदे को मैं नॉक नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे एक और है बंदा, अभी जिसको मैंने नॉक करा ना वो रियल प्लेयर था और उसको कोई बॉट नॉक कर देता है। हाँ दे भाई, और इसका टीममेट ये रहा, देखो यहाँ पे लेफ्ट से M4 चला रहा है, ये रहा। ठीक है तो अब यहाँ पे सारे बंदे मारे जाते हैं और क्या कहते हैं, बोट बहुत तंग कर रहा था मेरे को। ऊपर देखो, ऊपर मेरे डबल डिजिट किल हो चुके थे। इन बंदे को मारने के बाद मैं अब गाड़ी लेकर सेंट्रल रोड निकल चुका था, एक तरह से कहा जाए तो रेड जोन निकल चुका था। क्योंकि रेड जोन था तो मैंने सोचा भाई जितना जल्दी कवर में जैसे कुछ चला जाता हूं, ये फट जाएगा कभी भी। मैं इस वाले घर की तरफ जाता हूं, जैसे मैं बिल्कुल टॉप पे गया ना, मुझे तभी के तभी वो सामने वाले घर में देखो एक बंदा स्पॉट हुआ। चलो ये बंदा तो मारा जाता है, 13-13 का स्कोर हो चुका था। पर देखना भाई, अब ये सारे के सारे बॉट बच जाते हैं, मतलब सारे के सारे बॉट लिटरली। यार लायन ने मारे काफी बॉट और कुछ बंदे, कुछ बॉट मैंने मारे। और देखा आखिरी बॉट का नाम था बंदर, BNDR। भाई साहब कौन रख रहा है बॉटों का नाम, मेरे को बताओ। फिलहाल जो भी हो, मैं स्टेडियम में आ चुका था इस वाला मैच अभी, काफी देर मुझे लूटते हो चुकी थी, 2-2 क्या मिल चुकी थी। और क्या ही चाहिए बंदे ना, वैसे तो बंदी चाहिए लेकिन गेम में तो बंदा चाहिए। और यहां देखना सामने, आई एम ग्रूट। देखा तुमने ग्रूट भाई साहब क्या कर रहा था, मतलब मेरा टीममेट और मैं दोनों शूट कर रहे हैं, मतलब खड़े हैं वहां पे, फिर भी बंदा लूटे जा रहा है, नजर ही नहीं थी भाई की। वेल हम गाड़ी लेकर अब निकल चुके थे, यहाँ थोड़ा इजिस्टिक वाले एरिया में कुछ बॉट्स दिख रहे थे हमें। मैंने सोचा बॉट ही मिल रहे तो भाई इन्हीं को लपेटेंगे, पर यहाँ पर यस माई फ्रेंड एक रियल प्लेयर भी मिल जाता है और एक नहीं भाई पूरी टीम मिल चुकी है। इसको भी नॉक करा, मेरे को डर था यार कि ये जो मेरा अंडर वाला है ये कहीं अपोनेंट ना हो और मेरा किल चोरी ना हो जाए, लेकिन लगता तो नहीं है यहाँ पे रुका है, तो इट मीन्स इसके टीममेट ही होंगे। चलो तो ये था इनका तीसरा बंदा, आई थिंक सो तीसरा चौथा पता नहीं, मैं गिन नहीं रहा था, लेकिन बस किल्स चाहिए अपने को, इसका किल सिक्योर कर लूँ। और अगर तुम्हें सुन रहा हो तो देखो लेफ्ट साइड जो जहाँ पे फ्रोजन है इकट्ठा करते हैं ना सेलिब्रेट करते हैं, वहां से भी गनशॉट्स की आवाज आई थी और अब एक बग्गी भी आ रही है साइड से। बहुत ही औसम। अब फटाक से मेरे को गाड़ी लेकर बस ईस्ट सिटी की तरफ ही निकलना था। वो देखो सामने भाई हरी हरी क्रेट, कितनी सोनी लग रही थी ना। फिलहाल जो भी हो, अब यहाँ पे और क्रेट बनाने अपने को सोनी। मैं इस तरफ आया, ये कति लड़िया जल रही थी भाई यहाँ पे।